वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद भाई गुरदेव सिंह जी कौके सिख पंथ के अंदर वड्डा नां वड्डियां सेवावां चढ़दी कला वाले सिंह कहनी ते करनी दे पूरे जिन्होंने वड्डे किना रुतबियां ते कौम की सेवा की। जदों बेअंत सिंह की सरकार वेले जिहड़ा सिखां दी नसलकुशी का एक एजेंडा कांग्रेस वालों लिया गया, के पी एस गिल ने जो पंजाब के अंदर अतवाद के नाँ के उत्ते नौजवान जिहड़े आ बेदोषे नौजवानों का वड्डे पद्धर से घाण किया, वो इतिहास जगजार है। इस समय के दौरान भाई शहीद भाई गुरदेव सिंह कौके जी जिन्हों गिरफ़्तार किया गया, उस तो बाद रिहा किए गए, मुड़ तो फिर 1992 की 25 दसंबर अज का दिन करीब 31 साल के पहला उन्होंने पुलिस जी है वो गुरद्वारा गुरुसर कौके तो गिरफ़्तार करती है। उस तो बाद घरों सैकड़े लोगों की हाजिरी में जी है ये पुलिस अपने नाल लै जाती है, तो उस तो बाद उन्होंने सी ए स्टाफ में रखा जाता, उस तो बाद थाने में रखा जाता। बहुत लोग इस गल के चश्मदीद ने कि उन्होंने परिवार जोड़े है उन्होंने मिलते रहे, होर भी जी संगत उन्होंने बारे जानती सी, पर यह गल कह के कि उन्होंने तो बरामदगी वास्ते ले जाया जा रहा है, वो कि उस समय की पुलिस से बुचड़ जड़ा कहते जहनीयत के लोगों ने भाई गुरदेव सिंह जी कौके शहादत का जाम पिलाया, पर उन्होंने कहनी तो करनी अज भी इस दुनिया में याद की जाती है। इस संबंध के मनुखी अधिकार संगठन वालों जो उस समय एक आई जी तिवाड़ी जी है जोड़े अफसर से उन्होंने नाम के उत्ते एक जांच कमेटी बनाई गई, तो उस रिपोर्ट जी है वो अज जनतक हुई है। तो कुछ संस्थावान ने मनुखी अधिकार संस्थावान ने श्री अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब न रिपोर्ट सौंपी है, तो अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब ने बहुत ही जिम्मेवारी समझने इस रुतबे की जिम्मेवारी समझे, तो जो सिख कौम वापरिया खास तौर पर महान योधे शहीद भाई गुरदेव सिंह कौके जी के नाल इस सरकार ने तशद्दुद जुल्म किया, उन्होंने शहादत जी हुई है उन्होंने, उस संबंधी जी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट दे आधारित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को हुक्म लाया कि इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने खिलाफ जोड़े अफसर से जिन्होंने ये तशद्दुद किया जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब वालों जी सा कानूनी जी कमेटी है उन्होंने हुक्म कर दिता गया कि इस मामले की पड़ताल करते हैं कानूनी तौर पर इन्होंने तत्थ इकट्ठे करके उन्होंने खिलाफ जी है FIR दर्ज कर जो प्रोग्राम है वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी में आरंभ कर दिता गया। सो ये हुक्म जिहड़े अकाल तख्त साहब वालों जो आए हैं उन्होंने पूर्ण तौर पर उन्होंने फुल चढ़ाया हुआ उन्होंने हुक्मों के तहत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी लड़ाई जी है FIR दर्ज कर दी, तो उस तो बाद परिवार के सहयोग नाल जिस तरह उन्होंने परिवार का हुक्म होएगा उसनों नाल लैके अगली लड़ाई जी है ये लड़ी जाए।